मेरा नाम जैस्मिन आर्य है और मैं टैक्वांडो से हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और मैंने 2 बार इंटरनेशनल खेला है। पहला इंटरनेशनल मैंने भूटान में खेला था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है, और दूसरा इंटरनेशनल मैंने हैदराबाद में खेला था जिसमें मेरा ब्रोंज मेडल रहा है। मेरी गोत्र है जो कल्याणा है और मेरी मदर की गोत्र है गेचन, और हम लोग बेसिकली बीकानेर से हैं। हम लोग बीकानेर में रहते हैं, और मेरे पापा जो हैं वो सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, और जो मेरी मदर हैं वो महिला मोर्चा में बीकानेर की अध्यक्ष हैं। और आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें मेरे गेम के बारे में थोड़ा नॉलेज कम होगा, जैसे टैक्वांडो के बारे में आप लोग कम जानते होंगे। जो टैक्वांडो है वो ओलंपिक्स में है, और इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिव है कि ये गेम हमें आगे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसमें मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है ये, और मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस आता है इस गेम में, प्लस ये ओलंपिक्स में है गेम, प्लस इसमें फ्यूचर ये है कि सर्विसेज जो होती है सभी तरीके की सर्विसेज में ये गेम है। जैसे कि सर्विसेज आर्मी सर्विसेज हो गया, फोर्सेज जितनी भी तरीके की, राजस्थान पुलिस हो गई या जो भी फोर्सेज हैं उन सभी में ये गेम पाया जाता है। मेरे समाज वालों ने मुझे, आप सबकी दुआ जो है वो उसी से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आप सबकी दुआएँ हैं जो मुझे आगे बढ़ा रही हैं, और मैं आगे ऐसे ही बढ़ती जाऊँ। प्लस कुछ ऐसा है कि हमारे समाज में ऐसा है कि जो गर्ल्स हैं और जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में शायद कम है, तो वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसा है कि स्पोर्ट्स में ज़रूर आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्पोर्ट्स में आने के बाद हम लोग क्या है कि अपने आप का करियर बना सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स के लिए गेम बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं गर्ल्स को, एक गुड़िया को अगर सपोर्ट मिलता है तो वो आगे बढ़ती है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पास एक सेल्फ डिफेंस का पूरा वो टेक्निकली मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे इस दुनिया से डर नहीं लगता, जैसे बाहर घूमने में या कुछ भी। आजकल के केसेस जो हो रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, गर्ल्स सेफ नहीं है, और जिन गर्ल्स को ये गेम सेल्फ डिफेंस आता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी समाज की जितनी भी गुड़ियाँ हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी डॉटर्स हैं, आप सब अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो फ़िलहाल जो है आजकल जो दुनिया है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बेटियों को आगे बढ़ाएं, और ज़रूरी नहीं है कि आप गेम में डालें, स्पोर्ट्स में डालें। आप अगर उन्हें डॉक्टर इंजीनियर भी बनाना चाहते हैं तो भी सेल्फ डिफेंस आना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स ज़रूर ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम भी फिट रहते हैं, प्लस हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारा माइंड भी एक्टिवेट रहता है। मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, मैंने अभी 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, और फ़िलहाल मैंने 5 साल से मैं टैक्वांडो कर रही हूँ। मैं जब 9 साल की थी तब से मैं ये गेम शुरू किया था, और आज मैं 14 साल की हो चुकी हूँ, और अभी तक मैंने बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल की है। सब मेरे मदर एंड फादर का सपोर्ट है, और आप सभी समाज वालों की दुआएं हैं। बस आप सब ऐसे ही कनेक्ट रहें, और जो मेरा मैसेज है उस पर ज़रूर गौर करें कि बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है एक तरीके से। और जो बेटियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अभी का माहौल सिर्फ सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही बहुत मेहनत करती हूँ और रोज़ाना करूँगी मेरे समाज के लिए। मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे मेरे समाज का नाम रोशन करना है। मेरे माता पिता के साथ साथ मैं समाज को लेके चलती हूँ, क्योंकि उस चीज़ से क्या है कि जिन लोगों की ये सोच है कि ये समाज छोटा है या छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। नाम होने के बाद लोग साथ होते हैं। ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स में डालना। थैंक यू सो मच। आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत बार नेशनल्स में पार्टिसिपेट भी किया है, मैंने बहुत बार नेशनल में मेडलिस्ट रही हूँ मैं। और जो उनको आप मोटिवेट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ही मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैं आज आगे हूँ, और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। प्लस मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, जो आज मुझे सिखा रहे हैं मिस्टर अभिमन्यु शर्मा सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। मैंने जब ये गेम ज्वाइन किया था तब
मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे सपोर्ट किया था, पर बहुत से लोग कहते थे कि ये लड़की है, ये गुड़िया है, ये कैसे इस गेम में आगे बढ़ेगी, इस गेम में आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन मेरी मेहनत थी और मेरा सब कुछ था कि मैंने इंटरनेशनल तक पहुँच के दिखाया और सबका मुँह बंद कर दिया। उसके बाद में सबने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की और सबने बोला कि आपने बहुत अच्छा नाम किया है, बहुत अच्छा किया। तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। वैसे ही आप लोग भी अपनी जितनी भी आपकी डॉटर्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, उन सबको आप मोटिवेट कीजिए, उनको गेम में डालिए, कोई भी स्पोर्ट्स में डालिए। ज़रूरी नहीं कि जिस स्पोर्ट्स में मैं हूँ उसी में डालें, बस उन्हें मार्शल आर्ट्स जो है, जो सेल्फ डिफेंस है, वो ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जो अभी का माहौल है उसमें सेल्फ डिफेंस जो है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सेल्फ डिफेंस बहुत मेन है। सेल्फ डिफेंस सभी को आना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आपकी कुछ भी बनाएं, लेकिन सेल्फ डिफेंस जैसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा नाम करूँगी, बस आप सबकी दुआएं मुझे मेरे साथ रहें। मेरा समाज मेरे साथ है, आज मुझे मेरे समाज के बारे में पता चला, मैं मेरे समाज से जुड़ी हूँ, उस हिसाब से मुझे पता चला मेरे समाज में इतने अच्छे लोग हैं जो मेरे लिए इतनी दुआ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश भैया, जिन्हें मैं बहुत प्यार से मैं अपने भैया बोलती हूँ, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे समाज के लिए कुछ मैसेज रखने का और मेरे समाज वालों से मुझे मिलने के लिए। मैंने मेरे बारे में बताया और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी डॉटर्स को भी, अपने बच्चों को भी, अपने डॉटर्स प्लस बॉयज़ को भी ये गेम सिखाएं, उनको भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं, उनको भी बहुत अच्छे से उपलब्धियां हासिल करवाएं, वो भी कर सकें। सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़कर, कुछ बातें शेयर कर कर। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी बातें पसंद आई होगी। और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।